राजधानी की तिहाड़ जेल अपने सुधार कार्यक्रमों के लिए पूरे देश में जानी जाती है। इस बार तिहाड़ जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए जॉब की बेहतर व्यवस्था की है ताकि जेल से छूटने के बाद वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकें। इस बार 14 कंपनियां खुद तिहाड़ जेल परिसर में गईं और वहां पर उन्होंने 30 कैदियों को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की। तिहाड़ जेल के अनुसार ये कैदियों की छठी जॉब प्लेसमेंट थी। अब तक कुल मिलाकर 372 कैदियों को जॉब मिल चुकी है। कैदियों की लिस्ट बनाते हैं जो कि बाहर जाके उनके पास काम धंधा नहीं है, जो काम करना चाहते हैं। दूसरा, उनसे हम पूछते हैं कि उनका क्या योग्यता है, देखते हैं कि वो पैरों पे फसलों पे जब वो मार गया था तब उसका कंडक्ट कैसा रहा। अगर ये सब चीज़ें ठीक फेवरेबल होती हैं, ऐसे लोगों को हम प्लेसमेंट में के लिए जो है उनको चुनते हैं। जेल प्रशासन के अनुसार जॉब प्लेसमेंट सेल में उन कैदियों को रखा जाता है जिन्होंने कभी गंभीर अपराध ना किया हो। जब कैदी अपनी सजा पूरी कर लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की रहती है कि वो जेल से निकलने के बाद अपनी जीविका को कैसे शुरू करेगा। कैदियों की इसी कश्मकश को तिहाड़ जेल प्रशासन ने समझा और कई कंपनियों से संपर्क कर कैदियों के लिए जॉब की शुरुआत की। जैसे इस प्लेसमेंट जैसे इवेंट से ये चीज़ हमारी रोटेशन में बहुत कम हो गई है। हम अपनी क्वालिटीज के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से हम यहाँ पे जॉब पा सकते हैं और एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। कैदियों को उनकी योग्यता के अनुसार कंपनियां जॉब ऑफर करती हैं। इस बार एक कैदी को 3 लाख रुपए सालाना तक की जॉब ऑफर की गई है। तिहाड़ की इस पहल से कैदी न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं बल्कि जेल से निकलने के बाद अपने लिए वो एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर सकते हैं। नीरज सिंह, DD News, दिल्ली।